हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई मेन 2020 के एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले सुने क्या क्वेश्चन है। एन एलसीआर सर्किट बिहेव्स लाइक अ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, कंपेयरिंग इट विद अ फिजिकल स्प्रिंग मास डैम्ड ऑसिलेटर हैविंग डैम्पिंग कॉन्स्टेंट बी, द करेक्ट इक्विवेलेंस वुड बी। और फिर ऑप्शन दिए हैं जिनमें एल, सी और आर के करस्पॉन्डिंग टर्म्स हमें बताने हैं उस केस के लिए जिसमें एक स्प्रिंग मास डैम्ड ऑसिलेटर जिसका डैम्पिंग कांस्टेंट बी है ऑसिलेट कर रहा है। तो कैसे करेंगे एक बार समझे कि अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं एक एलसीआर सिस्टम के लिए, तो एक एलसीआर सिस्टम के लिए कुछ इस तरीके से एक बेसिक पिक्चर प्रेजेंट किया जा सकता है एलसीआर कंपोजिशन के लिए। ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है और ये इंडक्टर है। अब अगर इस सिस्टम के लिए मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक इक्वेशन डेवलप करना चाहूं किरचॉफ पोटेंशियल लॉ के अकॉर्डिंगली, तो क्या इक्वेशन बनेगी जरा ध्यान से देखें। ए पॉइंट के पोटेंशियल में अगर मैं ए पॉइंट के पोटेंशियल को वी ए मान लूं, तो वी ए माइनस क्यू बाय सी, यहां पर मैं क्यू कैपेसिटर के चार्ज को कंसिडर कर रहा हूं, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये वो पोटेंशियल ड्रॉप है जो इंडक्टर में होगा, एंड माइनस आई आर इक्वल टू वी बी होना चाहिए। यानी अगर मैं इस सिस्टम के लिए ए पॉइंट से बी पॉइंट के पोटेंशियल के बीच में, ए पॉइंट और बी पॉइंट के पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन बनाना चाहूं एलसीआर को लेते हुए, तो कुछ इस तरह से रिलेशन बनेगा। यानी कि जो वी ए माइनस वी बी का वैल्यू आएगा वो होगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्यू बाय सी, ध्यान से देखें, प्लस एल डी आई बाय डी टी प्लस आई आर। अब अगर मैं एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहा हूं जिसमें एलसीआर ऑसिलेशन की बात चल रही है, तो डेफिनेटली ये दोनों टर्मिनल विदाउट बैटरी आपस में कनेक्टेड है, यानी अपनी ही एनर्जी से यह ऑसिलेटर कंटिन्यूली परफॉर्म कर रहा है। सो दिस टर्म वी ए माइनस वी बी शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए और बी पॉइंट आपस में जॉइंड शॉर्ट सर्किटेड है। सो इसे जीरो पुट करने पर हमें इक्वेशन मिलेगी क्यू बाय सी प्लस एल डी आई बाय डी टी प्लस आई आर इक्वल टू जीरो। और अगर मैं इसे ओपन करके डेरिवेटिव फॉर्मेट में लिखूं आई को डी क्यू बाय डी टी कहते हुए, तो ये बन जाएगा एल डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस आर इंटू डी क्यू बाय डी टी प्लस वन बाय सी इंटू क्यू इक्वल टू जीरो। सो मुझे इस तरीके का इक्वेशन मुझे मिलेगा इस केस में जब मैं एक एलसीआर ऑसिलेटर की बात करूंगा। दूसरी ओर प्रॉब्लम में एक फिजिकल स्प्रिंग मास डैम्ड ऑसिलेटर की बात कही गई है, तो समझे एक ऐसे ऑसिलेटर की हमको बात करनी है जिसमें एक एम मास का ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। अब हम जानते हैं कि अगर एक स्मूथ सरफेस के ऊपर एम मास का ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्ट करके रख दिया जाए, तो वो ब्लॉक इनफाइनाइटली लॉन्ग ऑसिलेशन करेगा, उसका ऑसिलेशन इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। बट इसे एक डैम्ड ऑसिलेटर के रूप में प्रेजेंट किया गया है, तो डैम्पिंग कॉन्स्टेंट बी दिया गया है। हम जानते हैं कि डैम्पिंग का इफेक्ट किसी मूविंग पार्टिकल की वेलासिटी पर डिपेंड करता है और उसके प्रोपोर्शनल होता है। सो अगर मैं इस स्प्रिंग मास डैम्ड ऑसिलेटर के लिए इक्वेशन डेवलप करूं, तो किस तरह से इक्वेशन बनेगी एक बार समझे। यहां पर ध्यान दें कि एम मास के ब्लॉक को मैंने एक स्प्रिंग से कनेक्ट करके जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है ग्राउंड पर रख दिया है। सो मैं इसे एक डैम्ड स्प्रिंग मास सिस्टम के ऑसिलेशन के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूं। सो अब अगर मैं इस ब्लॉक को स्टार्ट करूं और उस इंस्टेंट पर डिस्कस करूं जिस इंस्टेंट पर इसकी वेलासिटी वी हो चुकी है, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में लगने वाले फोर्सेस को पहले आप समझें। यहां पर ध्यान दें कि ये ब्लॉक जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस को इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। अब आपने इस ब्लॉक को किसी स्पीड वी तक पहुंचाया, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में लगने वाले फोर्सेस में मोशन को सपोर्ट करने वाला कोई फोर्स नहीं है,
और मोशन को अपोज करने वाले फोर्सेस में चूंकि दिया हुआ है कि डैम्पिंग कांस्टेंट को बी मान लिया जाए, तो मोशन का अपोज करने वाले फोर्सेस को मैं लिख सकता हूं बी इंटू वी। ये वो फोर्स है जो वेलासिटी के प्रोपोर्शनल है और इस ब्लॉक के मोशन का अपोजिशन कर रहा है। इसके अलावा अगर इस स्प्रिंग में अब तक एक्स एक्सटेंशन डेवलप हो चुका है तो एक फोर्स जो कि स्प्रिंग डेवलप करेगी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वो के एक्स होना चाहिए। यानी अब इस ब्लॉक में दो अपोजिंग फोर्स परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस इंस्टेंट के लिए अगर मैं इसका इक्वेशन क्रिएट करूं न्यूटन्स लॉ से तो वो होगा जीरो सपोर्टिंग फोर्स माइनस के एक्स अपोजिंग फोर्स माइनस बी इंटू वी अपोजिंग फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इस इक्वेशन को अरेंज करने पर ये बनेगी एम ए प्लस बी वी प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के टर्म में इसे प्रेजेंट करूं तो ये होगी एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स बाय डी टी प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। सो इस इक्वेशन नंबर टू और इस इक्वेशन नंबर वन जो कि मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए और एलसीआर डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए बनाई गई हैं, अगर इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को पिक किया जाए जैसा कि प्रॉब्लम में कहा गया है तो हमें मिलेगा एल जो कि इक्विवेलेंट होगा एम के। इस इक्वेशन के डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर के कोफिशियंट की इस इक्वेशन के डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर के कोफिशियंट से कंपेरिजन किया जा रहा है। सो एल हमें करस्पॉन्डिंग मिलेगा एम के, आर हमें इक्विवेलेंट मिलेगा बी के, और जो वन बाय सी है जो क्यू का कोफिशियंट है वो करस्पॉन्डिंग होगा इस इक्वेशन के केस। अब जैसा ये करस्पॉन्डेंस आया है अगर इसे हम उस फॉर्मेट में लिखें जैसे कि ऑप्शंस दिए हैं तो मुझे इस सी और के को एक्सचेंज करना होगा। सो ये बन जाएगा मॉडिफाई होके सी इज करस्पॉन्डिंग टू वन बाय के। नाउ द आंसर्स आर एल इज करस्पॉन्डिंग टू एम, आर इज करस्पॉन्डिंग टू बी एंड सी इज करस्पॉन्डिंग टू वन बाय के। L corresponding to M ऐसा हम देख पा रहे हैं दो ऑप्शंस में सेकंड और थर्ड में। अब ध्यान से सुने सेकंड और थर्ड क्या है, जबकि फर्स्ट और फोर्थ जो रिजेक्ट किए जा चुके हैं उनमें पहले में L K के corresponding दिया हुआ है और फोर्थ में L 1 by B के corresponding जो कि गलत है। सेकंड थर्ड में L को M के corresponding माना गया है, R को B के corresponding माना गया है और C को एक में K और एक में 1 by K। सो हमारा बेस्ट चॉइस इस प्रॉब्लम के लिए सेकेंड होना चाहिए। So, इस तरीके से एक एलसीआर डैम्प्ड ऑसिलेटर और एक स्प्रिंग मास डैम्प्ड ऑसिलेटर को कंपेयर करके उनके इक्वेशंस को कंपेयर करके इक्विवेलेंस बना के हम एलसीआर के करस्पॉन्डिंग टर्म मैकेनिक्स के पता कर सकते हैं। थैंक यू।